नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अखिल गोगोई को मिली जमानत को बरकरार रखा। बारण में सांप्रदायिक हिंसा, 15 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू और इंटरनेट पर प्रतिबंध। कोरोना में कुंभ और बंगाल में 8 चरणों के चुनाव की निर्दयता। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटों में 2 लाख से भी ज्यादा नए मामले। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने किसान कार्यकर्ता अखिल गोगोई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के आदेश को बरकरार रखा है। असम में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ 2019 में हुए प्रदर्शनों में कथित भूमिका के मामले में विशेष अदालत ने गोगोई को जमानत दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सुमन श्याम और मीर अल्फाज अली की बेंच ने कहा कि असैन्य हंगामे की कोई भी गतिविधि उस समय तक गैरकानूनी गतिविधियां कानून 1967 के तहत नहीं आएगी जब तक वह शांति भंग करने की मंशा से न हो। अदालत ने 9 अप्रैल को अपने आदेश में कहा, अदालत 1 अक्टूबर 2020 के फैसले और आदेश तथा हमारे समक्ष पेश सामग्री पर गौर करने के बाद हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए NIA की विशेष अदालत द्वारा रखे गए विचार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित है। अदालत ने कहा, इसलिए हमें याचिकाकर्ता को जमानत देने के अदालत के फैसले में कोई खामी नजर नहीं आ रही। NIA द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद विशेष अदालत ने 1 अक्टूबर 2020 को गोगोई को जमानत दे दी थी। राजस्थान के बारड जिले के छावड़ा कस्बे में सांप्रदायिक झड़पों के चलते कर्फ्यू और इंटरनेट पर पाबंदी लगाए जाने के चौथे दिन माहौल तनावपूर्ण लेकिन शांत है। कस्बे में 2 युवकों को चाकू मारे जाने के बाद सांप्रदायिक झड़पें शुरू हो गई थी। कर्फ्यू के कारण आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। स्थानीय लोगों को बुधवार को दवाएं, ईंधन, दूध और राशन खरीदने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। रविवार को हुई झड़पों के दौरान भीड़ ने दर्जनों वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग लगा दी। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बारड़ पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल ने कहा कि मंगलवार और बुधवार को दोनों पक्षों के 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झड़पों के अगले दिन 50 से 55 लोगों के खिलाफ कम से कम 10 मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों के अनुसार हालात शांतिपूर्ण है और हिंसक घटना की कोई भी खबर नहीं मिली है। कोरोना के दूसरे खतरनाक दौर में कुंभ के इतने विशाल और लंबे आयोजन के पक्ष में दी जा रही हमारे सत्ताधारियों की सारी दलीलें बेमतलब हैं। उनमें न तो जवाबदेही दिखती है और न ही किसी तरह का विवेक। इसी तरह बंगाल की महज 294 सीटों के लिए 8 चरणों के चुनाव कराने का चुनाव आयोग का फैसला किसी सियासी पक्ष को भले फायदा पहुंचाए पर जनता, समाज और देश के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का इस पर क्या है कहना। जब चुनाव का बिगुल बजा था, शुरुआत हुई थी, तो कोरोना जो है, COVID-19 की जो स्थिति थी वो थोड़ा सा मंद था। उसकी जो गति थी, ऐसा लगता था कि हालात थोड़े सुधर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई और हालत यह है कि पिछली बार कोरोना ने जिस तरह से धमक दी थी, जिस तरह से उसका हमला हुआ था, उससे ज्यादा तीव्रता के साथ इस बार माना जा रहा है। डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, पूरी दुनिया भर के लोग जो देख रहे हैं कि ब्राजील, भारत और दूसरे और जो दुनिया के देश हैं किस तरह तबाही की तरफ जा रहे हैं, बेहाली की तरफ जा रहे हैं, तो कोरोना इस बार जो सेकेंड फेज कह लीजिए, सेकेंड वेव कह लीजिए, वो ज्यादा तीव्र है, ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा मारक है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि भारत के जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था उसमें 1 राज्य का चुनाव चूंकि 8 चरणों में घोषित किया गया था। 8 चरणों में क्यों घोषित किया गया था वो एक अलग कहानी है, हम उस पर नहीं जाएंगे वरना हमारा समय ज्यादा उसमें खप जाएगा और पहले हम उस पर थोड़ी बहुत बातें कह भी चुके हैं। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आने वाली बात लग रही है और आपको भी शायद नहीं लगेगी कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था भारत की, क्या वो एक समीक्षा बैठक करके 8 चरणों के चुनाव को 3 चरणों में ही खत्म नहीं कर सकता था? 4th चरण तो हो गया, अब 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां कितना इंतजार कराएगा और कितनी भीड़ बटोरेगा?
बड़े नेताओं को पैसे वाली पॉलिटिकल जो पार्टी हैं इस देश में, जो सबसे अधिक जिनके पास पैसा है, जिनके पास सबसे अधिक नेता हैं, जिनके पास सबसे अधिक घूमने का और रोड शो करने का कौशल है, उन सबको ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए हो ये रहा है कि इतनी ज्यादा गैदरिंग, इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है बंगाल के अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, यहां तक कि कई जगह तो ग्रामीण क्षेत्रों में, कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की तमाम जो धाराएं हैं, तमाम जो प्रावधान है, उनकी धज्जियां वो बड़े लोग तोड़ रहे हैं, उड़ा रहे हैं धज्जियां, जिन पर इस देश में कोरोना प्रोटोकॉल को लागू कराने की राजनैतिक जिम्मेदारी है, यानी वो इस देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं। अब मेरा ये कहना है कि आखिर वो क्या स्थिति है कि हम इतने एक तरफा हो जाते हैं। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुंभ को तबलीगी जमात यानी मरकज का जो मामला था पिछले साल, उससे कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। ये अलग चीज है, वो अलग चीज थी। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं, वो बिल्कुल अलग चीज थी, ये बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन उनके मुख्यमंत्री जी के कहने और मेरे कहने का एक फर्क है। अब आप कल्पना कीजिए, फरवरी मार्च की घटना है तबलीगी जमात की 2020 में, जब अभी कोरोना शुरू हो रहा था और अभी भारत में लॉकडाउन न घोषित हुआ था, न बहुत सारे प्रोटोकॉल डिक्लेयर किए गए थे, और फरवरी में जो लोग आए थे उनको तो मालूम भी नहीं था कि कोरोना वाकई भारत पर दस्तक देने वाला है। कुछ एक देशों में आ चुका था दुनिया के, लेकिन भारत में वो न केवल दस्तक देगा बल्कि तबाही की पूरी आंधी लेकर चला आएगा, ये तो उनको भी नहीं मालूम था, वरना वो क्यों आते अपना देश छोड़कर। और कुल मिलाकर 2020 के आसपास लोग थे, संभवतः 2020 या 2025, इसी तरह की संख्या हमको याद है कि उस समय मीडिया में आती थी। तो 2-1 हजार जो लोग आए थे विभिन्न जगहों से, कुछ देश के थे कुछ विदेश के थे, उनको सचमुच नहीं मालूम था कि हालात इस तरह हो जाएंगे और एक दिन लॉकडाउन घोषित हो जाएगा और वो दिल्ली के निजामुद्दीन के इलाके में फंस जाएंगे। लेकिन ये जो हरिद्वार में हुआ, जिसमें 20 लाख 25 लाख 28 लाख की संख्या आ रही है, जो फिगर्स आ रहे हैं मीडिया में, इनको सबको मालूम था कि कोरोना की जो स्थिति है भयावह है, और अनेक प्रदेशों में जहां उत्तराखंड में ये हो रहा है वहां भी स्थितियां खराब हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री के बारे में खबर आई थी और भी बहुत सारे मंत्रियों के बारे में खबर आई थी अखबारों में, हम उसके बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि आज जो विस्फोटक स्थिति है उसमें इतने बड़े समागम का होना और उसको डिफेंड करना, ये आश्चर्यजनक है। तो हमारा बस ये कहना है कि क्या हम धर्म धर्म में फर्क करते हैं, क्या हम अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ, अपने अपने धार्मिक स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ, इन सब में फर्क करते हैं? चुनाव और दूसरे कामों में क्यों फर्क करते हैं? क्या इसलिए कि चुनाव के बाद किसी बड़े सूबे की सत्ता मिलनी है और सत्ता मिलने के लालसा में आप सब कुछ वो करने को तैयार हैं? आप 8 चरण में, 10 चरण में, जितने चरण में चाहें उतने चरण में चुनाव डिक्लेयर कर देता है चुनाव आयोग? क्या लॉजिक है? कौन सी ऐसी लॉजिक है जो पूरी दुनिया के इलेक्शन एक्सपर्ट्स को आप कन्विंस कर सकें कि इन गर्मियों के दिनों में, जब इतनी महामारी इस देश में फैली हुई है, 8 चरणों में चुनाव कराया जाए? क्यों नहीं समेटा जा सकता है? सिर्फ अब तक अगर 4 चरण हुए हैं तो 1 चरण में क्यों नहीं, शेष 4 जो चरण के चुनाव लंबित हैं उनको 1 ही चरण में क्यों नहीं कराया जा सकता है? मुझे लगता है कि दोस्तों ये कहीं ना कहीं बताता है कि हमारे देश में, चाहे हम साधारण लोग हों जिनको आम आदमी कहा जाता है, या जो विशिष्ट लोग हैं जो प्रशासन के बड़े ओहदेदार हैं, या सरकार और सत्ता में है, विपक्ष में है, कहीं ना कहीं, और यहां तक कि जो संस्थाओं के मुखिया हैं बड़े बड़े, हम सबकी बात कर रहे हैं, केवल एक राजनेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कहते हैं धार्मिक समुदायों की भी बात कर रहे हैं, सबके जो शीर्ष पदों पर लोग हैं, ऐसा लगता है कि उनको देश की, समाज की, आम आदमी का कोई मोह नहीं है, कोई उनके बारे में कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट है सिर्फ अपने स्वार्थ, सिर्फ अपने फायदे, सिर्फ अपने संकीर्ण दायरे का, कि कैसे उसका बचाव हो, कैसे उसको मजबूत किया जाए और कैसे काबिज हो जाया जाए इस देश पर। सवाल इस बात का है कि जब देश बेहाल होगा, जब देश लहूलुहान होगा, जब देश का
के जितने बड़े शहर हैं उनमें श्मशानों में जगह नहीं मिलेगी डेड बॉडी जलाने की। ये किस तरह के देश को आप हासिल करेंगे, किस तरह के सूबों पर, किस तरह के क्षेत्रों पर, किस तरह के भूखंडों पर आपके राज की जो जगमगाहट है, आपके राज की जो चमक है वो चमकेगी, आप क्या होगा इसका। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे भारतीय व्यक्तित्व में, हमारे भारत के एक भारत के लोगों के, खासकर जो बड़े लोग हैं, जो समाज को संचालित करने की जिन पर जिम्मेदारी है, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र में, तो मीडिया के बारे में भी कह रहा हूँ, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, टॉप लेवल पर जो लोग हैं उसमें बड़े हिस्से के अंदर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक लघुता दिखाई दे रही है, लघुता जो उनको उनको बड़े ढंग से सोचने, बड़े ढंग से करने से उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके शब्द में और उनके कर्म में, उनकी कथनी में और उनकी करनी में एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 15 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के अब तक रिकॉर्ड 2,00,000 से ज्यादा यानी 2,07,39 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से आज फिर से 1,000 से ज्यादा यानी 1,038 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 93,528 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में आज दूसरे दिन भी 1,00,000 से ज्यादा यानी 1,06,173 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,40,74,564 हो गई है, जिनमें से 1,73,123 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट घटकर 88.31% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से 1,24,29,564 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामले बढ़कर 10.45% यानी 14,71,877 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 11,44,93,238 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 33,13,848 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। We'll be right back.